नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने कांवड़ यात्रा को लेकर आदेश जारी किया है, जिसको लेकर पूरे देश में विवाद हो रहा है। अब इस मामले को कोर्ट पहुंचाने की तैयारी हो रही है। इसको लेकर जमीयत उलेमाए हिंद अदालत का दरवाजा खटखटाने जा रही है। आदेश के कानूनी पहलुओं पर चर्चा के लिए जमीयत उलेमाए हिंद ने कल यानी रविवार को कानूनी टीम की बैठक बुलाई है। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी के कांवड़ यात्रा वाले आदेश पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे धर्म की आड़ में राजनीति के खेल की संज्ञा दी है और कहा कि ये एक भेदभावपूर्ण और सांप्रदायिक फैसला है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA ने शनिवार 20 जुलाई को नीट UG एग्जाम की सिटी और सेंटर वाइज रिजल्ट जारी किया है। खास बात यह है कि विवादास्पद गोधरा और हजारीबाग सेंटर से कोई भी कैंडिडेट टॉपर नहीं है। गोधरा के जय जलराम स्कूल के सेंटर से दो स्टूडेंट ने 600 नंबर स्कोर किए हैं। इसके अलावा किसी भी कैंडिडेट को 600 से अधिक ज्यादा नंबर नहीं मिले हैं। परीक्षा हजारीबाग के 5 एग्जाम सेंटर पर हुई थी। CBI ने हजारीबाग से राजकुमार उर्फ राजू को 16 जुलाई को गिरफ्तार किया है। हजारीबाग से भी किसी एग्जाम सेंटर से टॉपर नहीं निकला है। योगी आदित्यनाथ ने आदेश जारी कर दिया है कि सभी दुकान और ठेले वाले अपना नाम अपनी दुकान के आगे लिखेंगे, जिससे कांवड़ यात्रा करने वाले ये जान सके कि वे किस दुकान से सामान खरीद रहे हैं। इस आदेश पर RLD के जयंत चौधरी के नेता भी सवाल खड़े करने लगे हैं। RLD के प्रवक्ता अनिल दुबे का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि कांवड़ियों को व्यवस्था मुहैया करानी चाहिए, लेकिन लोगों को दुकानों पर अपना नाम लिखने के लिए बाध्य करने की जरूरत नहीं है। RLD के महासचिव त्रिलोक त्यागी ने भी एक्स पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने खुलकर इस फैसले का विरोध करते हुए कहा कि क्या शराब पीना धर्म भ्रष्ट करना नहीं होता, सिर्फ मीट खाने से ही होता है। उन्होंने कहा कि इस हिसाब से शराबबंदी होनी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि लोगों को समझ क्यों नहीं आ रहा है कि कांवड़ यात्रा के दौरान मुस्लिम कांवड़ियों पर फूल बरसाते हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को कांवड़ यात्रा का स्वागत करना चाहिए। बता दें कि RLD ने योगी सरकार के इस फैसले को वापस लेने की मांग की है। ED ने शनिवार को अवैध खनन मामले में हरियाणा कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार को गिरफ्तार कर लिया है। केंद्रीय एजेंसी द्वारा महेंद्रगढ़ के कांग्रेस विधायक रामदान सिंह के परिसरों पर तलाशी लेने के 2 दिन बाद पवार की गिरफ्तारी हुई है। पवार सोनीपत से विधायक हैं और हरियाणा और राजस्थान में खनन काम करते हैं। शनिवार सुबह उनके आवास पर पहुंची ED की टीम उनके बेटे को भी पूछताछ के लिए ले गई। जनवरी में ED ने सोनीपत के सेक्टर 15 में पवार आवास पर पूर्व INLD विधायक दिलबाग सिंह के जुड़े हुए स्थानों पर भी तलाशी ली थी। शिवसेना UBT प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शनिवार को कहा कि अगर उनकी पार्टी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद सत्ता में आती है तो उनकी सरकार मुंबई में धारावी झुग्गी पुनर्विकास परियोजना के टेंडर को रद्द कर देगी। उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सत्ता में आने के बाद हम धारावी झुग्गी बस्ती पुनर्विकास परियोजना के टेंडर को रद्द कर देंगे। सरकार को जवाब देना चाहिए कि इसे कभी क्यों नहीं रद्द किया जाना चाहिए। हम मुंबई को अडानी नगर नहीं बनने देंगे। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल आज हरियाणा दौरे पर हैं। आप सुप्रीमो की पत्नी हरियाणा वालों को आम आदमी पार्टी की 5 गारंटी पेश की। पंचकुला में अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, पंजाब CM भगवंत मान, आपके प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता, सांसद संजय सिंह और आपके प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा पहुंचे। हरियाणा चुनाव के लिए केजरीवाल की 5 गारंटी लॉन्च की गई। पहली गारंटी मुफ्त और 24 घंटे बिजली, दूसरी सबको अच्छा और फ्री इलाज, तीसरी अच्छी बेहतरीन और फ्री शिक्षा, चौथी सभी माताओं बहनों को हर महीने 1,000 रुपए, पांचवी हर युवा को रोजगार। केंद्रीय मंत्री और सांसद जितेंद्र प्रसाद एक सड़क हादसे में घायल हो गए। वो अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत में दौरे पर थे। इस दौरान मंत्री की गाड़ी काफिले में चल रही एक गाड़ी से टकरा गई। जितेंद्र प्रसाद सहित रसोईया और निजी सचिव भी घायल हुए हैं। केंद्रीय मंत्री ने रास्ते में क्षतिग्रस्त हुई गाड़ी को मौके पर ही छोड़ दिया, दूसरी गाड़ी में बैठकर कार्यक्रम के लिए रवाना हुए। बता दें कि जितेंद्र प्रसाद के सर में मामूली चोट लगी है।
आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वाईएसआरसीपी प्रमुख जगन मोहन रेड्डी ने आरोप लगाया है कि चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली राज्य सरकार में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो गई है। इंडिया टुडे को दिए हुए इंटरव्यू में उन्होंने कहा, हम इस महीने 24 तारीख को नई दिल्ली में एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करेंगे। यह देश का ध्यान उस अराजकता की ओर आकर्षित करने के लिए है जिसने आंध्र प्रदेश को त्रस्त कर दिया है। एनडीए सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा, वो गांव से लेकर राज्य के हर स्तर पर व्यक्तिगत प्रतिरोध लेने की कोशिश कर रहे हैं। यही कारण है कि आंध्र प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब हो गई है। अमरोहा के पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता दानिश अली ने IANS से बात करते हुए कहा कि यूपी में भाजपा का राजनीतिक आधार खिसक चुका है। अमरोहा के पूर्व सांसद ने कहा, भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में जो आधार था वह खिसक चुका है। भाजपा के लोग लोकसभा चुनाव में यूपी में 80 में से 80 सीटों की जीतने का दावा कर रहे थे, लेकिन 33 पर ही सिमट कर रह गए। राज्य के आधा सीटों पर भी जीत नहीं पाए। अब आपस में ही इन भाजपाइयों में घमासान चल रहा है। कोई कह रहा है ब्यूरोक्रेसी नहीं सुनती, तो कोई कह रहा है कि जात का कब्जा है। अलग अलग प्रकार के आरोप लगाकर ये लोग आपस में ही झगड़ रहे हैं। आगे के नतीजों ने इनका और भी बुरा हाल होगा। मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला परिसर के ASI सर्वे रिपोर्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। यह याचिका हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस नाम की संस्था की ओर से दायर की गई है। संस्था ने रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की अनुमति मांगी है। इसी साल 1 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा था कि उसकी अनुमति के बिना सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर कोई कार्रवाई न की जाए। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 11 मार्च को ASI सर्वे का आदेश दिया था। इस जगह को कमाल मौला मस्जिद बताने वाले मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी ने इस आदेश को चुनौती दी थी। बांग्लादेश में सरकारी नौकरी के आरक्षण के खिलाफ चल रहा छात्रों का विरोध प्रदर्शन और भी हिंसक होता जा रहा है। विरोध के बीच सरकार ने राष्ट्रव्यापी कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया है। देश में फैली अशांति को रोकने में पुलिस नाकामयाब रही, जिसके बाद शुक्रवार को सरकार ने कर्फ्यू लगाने और सैन्य बलों की तैनाती की घोषणा की है। बांग्लादेश में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच इस हफ्ते हुई हिंसक झड़प में करीब 105 लोगों की मौत हो चुकी है। शेख हसीना के प्रेस सचिव नईमुल इस्लाम खान ने AFP को बताया कि सरकार ने कर्फ्यू लगाने और अधिकारियों की मदद के लिए सेना तैनात करने का फैसला किया है। संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत ने फिलिस्तीनी क्षेत्र पर इजराइल कब्जे को अवैध बताया है। इस संबंध में 15 न्यायाधीशों के पैनल ने कहा कि इजराइल ने अपनी शक्ति और स्थिति का दुरुपयोग किया, जो फिलिस्तीनी क्षेत्र में उसकी उपस्थिति को अवैध बना रहा है। ICJ यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने शुक्रवार को कहा कि फिलिस्तीनी क्षेत्रों पर दशकों से इजराइल का कब्जा है, जिसे जितना जल्दी हो सके समाप्त कर देना चाहिए। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के अनुरोध पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने सलाहकारों की बैठक बुलाई थी। अब तक की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी .com पर।